आप सबको मेरी जानिब से काबतुल्लाह से जुम्मा बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सबको अपने माँ बाप, अपने प्यारों, अपने फैमिली के साथ बारहा ऐसे जुम्मे देखना नसीब करें, खैर सेहत ईमान तंदुरुस्ती के साथ। आमीन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमजवेरिया का। मालूम करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज जो डेट है वो है 6 अक्टूबर 2023 और आज जो है वो है जुम्मा और इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 10 और अभी मैं अपने होटल के कॉरिडोर में बैठी हूँ। अब हम नीचे जाते हैं और बाहर चलते हैं और इब्राहिम खलील रोड का मंजर भी आपको दिखाती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रश है इस वक्त। हाजियों का माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रश है। तो जुम्मा है और हाजी जो है वो जुम्मे के लिए जल्दी जाते हैं। वैसे अभी भी थोड़ा सा लेट है लेकिन इंशाल्लाह अंदर जगह मिल जाएगी। उम्मीद अच्छी रखते हैं, आगे जो भी होता है वो भी आपके साथ करते हैं शेयर। चले बाहर चलते हैं और हरम की तरफ चलते हैं। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि जुम्मे वाले दिन जो है वो स्पेशली यहाँ पर आउट ऑफ सिटी से भी लोग आते हैं तो रश ज़्यादा होता है। तो जितना भी आप सबको दिखा सके वो ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। चलें चलते हैं और ये मैंने ले लिया है बाजरा। ये सिर्फ आखिरी शॉपर जो है थोड़ा सा बचा था, ये आखिरी शॉपर जो है वो बचा था मेरे पास बाजरे का, तो मैंने ये ले लिया है कि अभी जाते हुए बाजरा डाल देंगे कबूतरों को। पैकिंग वाले वीडियो में काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे आपने ये बाजरा क्यों रखा है, तो ऑब्वियसली खाने के लिए तो नहीं रखा मैंने। तो ये है कि ये कबूतरों को यहाँ पर बाजरा डाला जाता है, वैसे यहाँ पे मिल जाता है लेकिन अगर थोड़े से बस पैसे बचाने हो तो आप इस तरह लेकर आ सकते हैं। वैसे आज हम काफ़ी जो है वो टाइम से निकल गए वरना 10:30-11 हो ही जाता है, 10 बज रहे हैं लेकिन रश जो है वो मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। इतना ज़्यादा रश है और लोग जो हैं वो माशाल्लाह से इसलिए कि एक सुकून की जगह मिले ताकि आप अजान और खुतबा जो है वो बहुत सुकून के साथ सुन सकें। रश मैं आपको दिखाती हूँ। रश इतना ज़्यादा है कि मुश्किल ही लग रहा है कि अंदर जगह मिलेगी, लेकिन कोशिश करते हैं फिर देखते हैं कि होता क्या आखिर। ये पहले बहुत ही मतलब ज़्यादा स्पेस थी यहाँ पर, कबूतर चौक इसको कहा जाता था, तो अभी भी है लेकिन पहले ये बहुत ज़्यादा चौड़ा रोड होता था। जो कोविड से पहले आए हैं उन्हें याद होगा, अब बस इस तरह सा बना दिया है। ये हम जा रहे हैं दारुल तौहीद और जबल उमर वाले रास्ते से और आगे जो किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन है उस तरफ से रास्ता होगा मस्जिद के अंदर जाने का, लेकिन अब ये देखते हैं कि अंदर थोड़ी सी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी आई थिंक, तो हो सकता है जाने दें, लेकिन वैसे तो मस्जिद बंद हो चुकी होगी। अब रूफ़ टॉप पर जाने देंगे लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि रूफ़ टॉप पर अगर बैठे वैसे ही बुरा हाल हो जाना है। सहन के एरिया में तो आ गए हैं, अब मस्जिद के एरिया में कोशिश करते हैं और चलते हैं इंशाल्लाह। अभी ये स्पेस है यहाँ पर कारपेट्स बिछा दिए हैं लेकिन अभी यहाँ पर आपको नहीं, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं बैठने दिया जाता है क्योंकि वो कहते हैं कि पहले मस्जिद भरे, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, रूफ़ टॉप, उसके बाद जब आखिर में जो हाजी आते फिर वो इधर बैठते हैं, तो इसलिए पहले यहाँ पर बैठने की ज़िद ना करें, जहाँ जगह हो वहाँ तक चले जाएँ। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के अंदर जो है वो जगह मिल गई है और अच्छी जो है वो जगह है। हमने तरह हमने जाए नमाज बिछा ली है, थोड़ा सा कारपेट से अलग होकर जगह मिली है, लेकिन जुम्मे वाले दिन ये भी मिल गई बहुत ही बड़ी बात है। टाइम जो है वो हो रहा है 10:45। पढ़ ली है, अब हम जा रहे हैं मताफ़ की तरफ और हम जो थे वो फहद गेट से एंटर होते ही जो लेफ़्ट पर लेडीज़ सेक्शन है उसमें थे। अब जी मताफ़ एरिया में जाते हैं और देखते हैं कि कितनी देर में जगह मिलती, क्योंकि बहुत रश है, लोग मताफ़ में जाने के लिए वेट कर रहे थे और अभी रास्ता खोला भी है या नहीं खोला क्योंकि बस अभी जस्ट नमाज़ हुई है और अभी 1 बज रहा है। मताफ़ में जाएँगे, देखेंगे अगर तवाफ़
करने जैसा माहौल हुआ गर्मी रश दोनों में, कि अपने आप को अजियत ना दे, अगर तवाफ़ कर सके तो तवाफ, नहीं तो उसके बाद फिर खाना खाने जाएंगे। बहुत भूख लग रही है। ये देखें जी, ये लोग यहाँ से जा रहे हैं, वहाँ से लोग खड़े हैं, रश है, और हम जा रहे हैं मताफ की तरफ। आ रहे हैं शाफाहत गेट से काबे की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, रात का मंज़र अलग होता है, रात में काबे को देखना, लेकिन दोपहर में काबे को देखने का भी मंज़र बिल्कुल अलग होता है। फीलिंग्स दोनों की बिल्कुल अलग है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मताफ एरिया में आ गए हैं। मताफ से अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। पहले कुछ खाएंगे, क्योंकि नाश्ता नहीं करके आए थे, बहुत जल्दी जल्दी बस निकल गए थे, तो पहले कुछ खाएंगे और जाते हुए आपको इब्राहिम खलील रोड की रौनक भी दिखाती हूँ, क्योंकि आज जुम्मा है तो आज रोज़ की मुनासिबत ज़्यादा रश होगा और गर्मी भी ज़्यादा है, तो जितना भी दिखा सकती हूँ उतना दिखाती हूँ। तो अभी बाहर चलते हैं हम, फहद गेट की तरफ जा रहे हैं। हम थोड़ा पहले से जो है वो स्टेट से ऊपर आ गए थे, अब फहद गेट की तरफ जा रहे हैं, तो फहद गेट से बाहर निकले। ये जी, फहद गेट की तरफ से हम निकल गए थे और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। यहाँ पर कुछ क्लिप्स में जो है वो आवाज़ नहीं आई है, माइक का कुछ इशू था, तो मैंने कहा जल्दी से वॉइस ओवर कर लेते हैं। बहुत गर्मी थी और यहाँ पर बस मैं यही बता रही थी कि इस रोड पर बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो उमरा करने के लिए आ रहे थे, अहराम पहने हुए थे, काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिनकी फ़्लाइट्स थी, और काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो कि मस्जिद आयशा या मस्जिद जराना होकर आए थे। लेकिन अगर आपने जुम्मे वाले दिन उमरा अदा करना है और आप मक्का में ही हैं, तो फिर सबसे अच्छा जो टाइम है वो ये है कि आप फजर, आपने जहाँ से भी अहराम बांधना है, मस्जिद आयशा, मस्जिद जराना, ताइफ़, आप वहाँ पर फजर अदा करें और फौरन मस्जिदुल हराम आ जाएं, ताकि आपका जो उमरा है वो जुमा से पहले हो जाए, क्योंकि जुमा के वक्त रश भी बहुत होता है और धूप भी बहुत होती है, तो उससे पहले आपका उमरा हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह बाजरा मिल रहा था, काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही होती हैं छोटी छोटी, और ये बाज़ार मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में दिखाया है। हाजी बहुत खुश होते हैं इन बाज़ार से, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी रीज़नेबल चीज़ें मिल जाती हैं, जो आपको शॉप्स पर जो है वो कुछ कुछ महंगी होती हैं, क्योंकि शॉप्स पर ये होता है शॉप्स वालों को जो है वो रेंट भी पे करना होता है, उनके पास जो वर्कर्स होते हैं उनकी सैलरीज भी होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ही वो जो है आपको प्राइस देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि इस तरह ये लोग बेच रहे होते हैं, तो इनको मालूम होता है कि हम सस्ता देंगे तो हमारी चीज़ जो है वो जल्दी से बिक भी जाएगी, और बिक भी जाती है। हाजी बहुत लेते हैं। ये आ गई थी मैं अपने फेवरेट रेस्टोरेंट, और कोई स्पॉन्सर नहीं है, हमेशा ख़रीद कर ही खाया है, लेकिन हमें यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। हमने लेनी तो चना दाल थी, लेकिन वो ख़त्म हो गई थी, फिर हमने पालक गोश्त लिया और बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। चलें जी, यही थी छोटी सी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। उमरा हज के हवाले से इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।